ये है अफगानिस्तान की सेना, अफगानिस्तान की सेना के स्पेशल फोर्सेस के जवान, और ये हो रही है इनकी ट्रेनिंग। अफगानिस्तान में सेना को जिस तरह से ट्रेनिंग दी जा रही है, ऐसा लग रहा है कि अफगानिस्तान अब अपनी वर्ल्ड क्लास आर्मी बनाने के लिए कारगर है और वो उस पर लगातार वो काम कर रहा है। अब जिन सैनिकों के वीडियो को आप देख रहे हैं, उनमें सैनिकों को एक कड़ी ट्रेनिंग के दौर से गुजरना पड़ रहा है, और ये सब कुछ अफगानिस्तान में तालिबान करा रहा है। अपने लड़ाकों को अब वो प्रॉपर यूनिफॉर्म में और प्रॉपर कॉम्बैट ट्रेनिंग दे रहा है, जिसके बाद वो किसी भी देश के स्पेशल फोर्सेस से मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाएंगे। यहाँ पर इनके पास लकड़ी के बड़े बड़े गत्ते हैं, और आमतौर पर ऐसी ट्रेनिंग आप अमेरिका में सील्स या फिर मरीन्स की देखते हैं, उस तरह की ट्रेनिंग अब तालिबान के लड़ाकों को दी जा रही है। तालिबान कहता है कि ये हमारे स्पेशल फोर्सेस के जवान हैं और ये फौलादी हैं, ये हर मौसम में हर परिस्थिति में दुश्मन से मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। अब भले ही उन्हें पानी से होकर गुजरना हो या फिर कहीं भी इवैक्यूएशन प्रोग्राम हो या फिर किसी दूसरे देश में जाकर ऑपरेशन करना हो, इन कमांडोज को ऐसे तैयार किया जा रहा है कि हर तरह की मुसीबत का सामना कर सकते हैं, हर स्थिति में ऑपरेट कर सकते हैं। इन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि अमेरिका की सील्स या फिर मरीन ट्रेन कर रही हो खुद को, लेकिन ये अमेरिका की सेना नहीं है बल्कि ये तालिबान की नई स्पेशल फोर्सेस है जिसकी ट्रेनिंग चल रही है। खास ट्रेनिंग, खास कॉम्बैट गियर और प्रॉपर साजो सामान के साथ ये जवान अपने आप को ट्रेन कर रहे हैं। ये तो हुई पहली तस्वीर, अब हम आपको दिखाते हैं कि दूसरी तस्वीर कैसी है। दूसरी तस्वीर में अगर दलदली इलाकों में खुद को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना हो, उसके लिए ट्रेनिंग हो रही है। उल्टे शरीर चलना हो या फिर रेंग कर दलदली इलाके में दूर तक जाना हो, उसकी भी ट्रेनिंग तालिबान अपने लड़ाकों को दे रहा है। अगर दुश्मन की गाड़ी सामने हो और नीचे से बिना दुश्मन को खबर लगे निकलना हो, तो उसकी भी ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके अलावा दलदली इलाकों में कैसे चुपचाप दुश्मन के इलाके में रेंग कर पहुंचना है, इसकी भी ट्रेनिंग तालिबान अपने स्पेशल फोर्सेस को दे रहा है। मौजूदा वक्त में रक्षा मंत्रालय अपने जवानों को तैयार करने के लिए हर कड़ी मेहनत कर रहा है और अपने जवानों को एक कड़ी ट्रेनिंग के दौर से गुजार रहा है। तड़के सुबह शुरू हुई ये ट्रेनिंग रात तक चलती है, यानी दिन भर पसीना बहाने के बाद तालिबान के लड़ाके अब फौलादी बन गए हैं, और ये वही लड़ाके हैं जिन्हें आज से पहले आप आमतौर पर कुर्ता पजामे में और कंधे पर एक AK-47 लिए देखते थे। अब ये प्रॉपर कमांडोज की तरह खुद को ट्रेन कर रहे हैं, और कौन इन्हें कॉम्बैट प्रशिक्षण दे रहा है, इसको लेकर अभी भी कोई जवाब नहीं है। लेकिन जिस तरह की तैयारी तालिबान दिखा रहा है, मतलब तो साफ है कि अब तालिबान अपनी सेनाओं को वर्ल्ड क्लास बनाने की तरफ आगे बढ़ रहा है। आपको बता दें कि तालिबान के सामने कई सारे खतरे हैं। तालिबान अपनी सीमा पाकिस्तान के साथ साथ ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान और चीन के साथ साझा करता है। ऐसे में अपनी सीमाओं की सुरक्षा के साथ साथ देश के भीतर हो रही आतंकवादी हमलों से निपटना तालिबान की प्राथमिकता है। तालिबान के सामने इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान सबसे बड़ा चुनौती है, और वो लगातार तालिबान को धमकियाँ देता रहता है। ऐसे में अब अपनी सुरक्षा को और पुख्ता करते हुए तालिबान अपने लड़ाकों की ट्रेनिंग ऐसी कर रहा है जैसे अमेरिका या फिर कोई नेटो देश कर रहा हो। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।